आंसू की चार लकीरों से अदा करता है। खाक समझेगा मुसव्विर तेरी अंगड़ाई को। कुदरत ने हमें बेशुमार रूप और रंग अदा किए हैं, यही मुसव्विर का तसव्वुर और तखय्युल है। जिस तरह से अदब को ज़िंदगी से जुदा नहीं किया जा सकता, उसी तरह आर्ट भी असर हाजिर का आईना है। ज़िंदगी की अपनी रवानी होती है, लेकिन हर मुसव्विर उसे अपने अलग नज़र और नज़रिए से पेश करता है। इसमें फूलों का रंग भी होता है, शहद की शीरीनी भी और ज़िंदगी की तलखियाँ भी। कलाविष्कार मुंबई के ज़ेरे एहतमाम इंडिया आर्ट फेस्टिवल नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली असर हाजिर के इन्हीं बैनुल अक्वामी फनकारों का जश्न है। ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, इसका एम और इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इंडिया आर्ट फेस्टिवल यहाँ जो ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली में, वैसा देखा जाए तो ये तो 5 साल से हम मुंबई में हर साल उसका आयोजन करते हैं। 2010 से इंडिया आर्ट फेस्टिवल 11 से मुंबई में हर साल होता है, और 5 साल के बाद हम दिल्ली में इंडिया आर्ट फेस्टिवल यहाँ नेशनल स्टेडियम में कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस तो यही है कि जब ये शुरू हुआ 5 साल पहले, तो इंडिया में जो आर्ट गैलरीज है, प्राइवेट आर्ट गैलरीज और जो आर्टिस्ट है, ये दोनों की संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे पास जो आर्ट गैलरीज है बहुत कम है, और पब्लिक आर्ट गैलरी जो है, जो गवर्नमेंट की आर्ट गैलरीज है, वो भी काफ़ी कम संख्या है। जैसा कि हमारे पास दिल्ली में ललित कला अकेडमी है, सिदरनी आर्ट गैलरी है, हैबिटेट सेंटर है, बम्बई में देखा जाए तो बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी है, नेहरू सेंटर है, बैंगलोर में चित्रकला परिषद है, कलकत्ता में बिरला अकेडमी है, अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट है। तो ये जो गैलरीज की संख्या बहुत कम है, और हमारे जो चित्रकारों की, कलाकारों की, शिल्पकारों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, तो उन्हें कई प्लेटफॉर्म जल्दी नहीं मिलता है। उन्हें अगर अपनी प्रदर्शनी करनी है तो स्पेस नहीं मिलती है। तो इसका हमने एक ढूंढ हल निकाला था कि बॉम्बे में 5-6 साल से ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें अलग अलग आर्ट गैलरी पार्टिसिपेट करती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है, इंडिविजुअल आर्टिस्ट जिसके पास अपनी कोई खुद की ऐसी गैलरी के साथ एसोसिएशन नहीं है, उनके लिए अलग से पवेलियन है। क्योंकि इमर्जिंग आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट जैसे पास आउट होते हैं कॉलेज से, तो उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है, और वो जो भी आर्टवर्क करते हैं, मे बी कंपेयर टू मास्टर आर्टिस्ट, उसकी तुलना में थोड़ा सा आर्टवर्क में और इम्प्रूवमेंट चाहिए रहता है। तो वो जो शुरू के जो 4-5 साल है इमर्जिंग यंग आर्टिस्ट के, उन्हें कहीं प्लेटफॉर्म मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल का पर्पज़ यही है कि जिनको जल्दी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट जो मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर स्पेस नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो बहुत कॉस्टली है, तो अपनी वो प्रदर्शनी नहीं कर पाते। तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल का पर्पज़ यही है, क्योंकि इंडिया आर्ट फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है वो कोई कंपनी नहीं करती है, वो एक इंस्टीट्यूशन करती है, संस्था करती है। और ये जो संस्था है कलाविष्कार, ये एक्चुअली चैरिटेबल एक्टिविटी है जो आर्टिस्ट को प्रमोट करती है, और यहाँ उनको बहुत अफोर्डेबल रेट्स में ये प्रदर्शनी करने को चांस मिलता है। और ये जो गैलरीज है, आर्टिस्ट है, बायर्स है, आर्ट कलेक्टर्स है, जो कला संग्राहक है, ये इनके डायरेक्ट टच में आते हैं, तो उन्हें अपनी कला दिखाने के साथ साथ उन्हें अपनी कला, थोड़ा सा जो आर्टवर्क्स है वो यहाँ सेल भी होता है, तो वो उनका एक बेनिफिट है। और यही एक एम है हमारा कि इमर्जिंग आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, ना कि ओनली बम्बे में लेकिन दिल्ली में भी, और हम तो आउट ऑफ इंडिया भी इनको प्रमोट कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मई हमने यही एग्जीबिशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सेउल साउथ कोरिया में भी की थी, और ये अप्रैल 2017 में हमें न्यूयॉर्क मैनहट्टन में भी कर रहे हैं। तो एफर्ट तो यही है कि इंडियन आर्टिस्ट जिनको जल्दी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, बम्बई में प्लेटफॉर्म मिले, और आउट ऑफ इंडिया भी एक साल में एक बार उनको मौका मिले कि वहाँ जाके अपनी प्रदर्शनी करें।
साहब, ये जो आपका बेहद खूबसूरत सा एक इंस्टॉलेशन वर्क है जो काफ़ी क्रिएटिव है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है और इसमें आपने मीडिया कौन सा यूज़ किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मेरा जो कंसेप्ट है, एक्चुअली बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और बचपन में हम जो हमारा जो कोस्टल बेल्ट है जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे ये सारी क्राफ्ट्स क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस के साथ देखने को मिलता है। तो इसके बाद जब बचपन में हम देखते जो बेचने के लिए आते केकड़े, तो वो सब एक टोकरी में डालते हैं और ये टोकरी ओपन नहीं था है और ये एक दूसरे को टांग खींचते हैं और इसके अंदर में सब कुछ रहते हैं, ओपन नहीं होता है। वो सारी चीज़ें मेरे को जैसे टॉच किया जब मैं धीरे धीरे आर्ट वर्ल्ड में आया और कंसेप्ट को देखा और दिल्ली में आके बहुत नज़दीक मैंने सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिशियन एंड एवरी बॉडीज़ को मैंने देखा एक दूसरे के टांग खींचते हुए, तो मैंने लिंक किया है जो केकड़े हैं और जो क्राफ्ट क्वालिटीज है सभी के पास ह्यूमन टेंडेंसी में आ गया है और सब मैंने इनको एक जब से जो कोई पावर होता है कुर्सी मिलने की होता है एक दूसरे को टांग खींच के दूसरे के नाम में बोलते रहते हैं। तो इसका टॉपिक जो होता है टॉलरेंस इनटॉलरेंस, तो एक दूसरे को झेलना और नहीं झेल पाने का जो किस्सा है वो क्राफ्ट क्वालिटीज में आता है, मैंने ये चीज़ बनाया है। चलते हम आर्ट गैलरी में यहाँ तक आए हैं, ये पेंटिंग्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, इसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स का यूज़ हुआ है, तो आइए इनके आर्टिस्ट से, इनके फ़नकार से पूछते हैं कि ये इन पेंटिंग्स के ज़रिए हमें क्या बताना चाहते हैं। ज़्यादातर पेंटिंग्स मैंने पूरी ये सीरीज़ में जो बनाया है सब पेंटिंग ये सब मॉन्क्स के ऊपर, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, लामाज है, जो कि वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में यहाँ पे प्ले करते हैं, खेलते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, वो सब वहाँ का एटमॉस्फियर, और वहाँ पर जाके मैं खुद फोटोग्राफी किया हूँ, उनके साथ बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ है, और इस हिसाब से फिर वो कलर्स जो होते हैं एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस हिसाब से ब्राइट कलर्स है उसमें, अलग अलग तरह के शेप्स है उसमें, तो वो सब को यूज़ मैंने अपने पेंटिंग में दिखाया है। आगे जब हम आए हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मीडियम का कुछ काम दिख रहा है, आइए इनके आर्टिस्ट से जानते हैं कि ये क्या खासियत है इन रंगों की। जी मैम, मेरा नाम जयलक्ष्मी है और ये जो मीडियम जो है दुनिया का सबसे पहला मीडियम है जिसमें पेंटिंग हुई है। ये एक्चुअली ग्रीक्स ने अपने बोट्स में ये वैक्स भरने की कोशिश की थी, बीज वैक्स, उसमें उन्होंने पिगमेंट किया एंड वो लोग इजिप्शियन से शादियां की है, तो फिर इजिप्शियन ऐसे आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने अपने मम्मी कैस्केट्स के ऊपर जो पोर्ट्रेट्स बनाई हैं वो इस मीडियम से बनाई हैं। और ये जो फायूम जगह जो है वहाँ से जब इन्होंने पिरामिड्स एक्सकोवेट किए हैं तो उसमें पता चला कि ये पेंटिंग उन्होंने जब कपड़ा फेरा उसके ऊपर एकदम नए की तरह चमक रहे थे, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर क्या रिसर्च किया, ये है क्या, फिर पता चला है कि ये एनकॉस्टिक मीडियम कहते हैं जिसमें कि बीज वैक्स और रेसिन्स और पिगमेंट्स मिले होते हैं, क्योंकि अभी ये पहले उसमें किया था लेकिन इसको गर्म करके करना होता है, बहुत मुश्किल होती थी, तो लोगों ने धीरे से उसको छोड़ दिया और वाटर कलर और ऑयल कलर्स वगैरह बाद में बने। लेकिन जब ये भी 19 सेंचुरी में जब इसका दोबारा जब ये इन्होंने पिरामिड से एक्सक्यूवेट किया था, तो जब रिसर्च के बाद फिर इसको रिवाइवल शुरू हुआ है 1930 से 1900 में, इन्होंने यूएस में इन्होंने रिवाइव करना शुरू किया। अभी काफ़ी कम जनक करते हैं, इंडिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वर्ल्ड ओवर भी काफ़ी कम परसेंटेज है, यूएस में कर रहे हैं इसको, यूके में कर रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है,
तो इंडिया में किया हुआ है पहले, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम किया है लोगों ने। लेकिन अभी मैं जो है इसके ऊपर, मेरे माइंड इज़ मोर लाइक ए रिसर्च यू कैन से, मैं पेपर पे, कैनवस पे, बोर्ड पे, हर एक पे कर रही हूँ। एंड पिछले 5 साल से मैं सिर्फ इसी मीडियम को कर रही हूँ। पहुंच गए हैं स्कल्पचर गैलरी में, और यहाँ पे बहुत तीनों स्टाइल्स के और लगभग स्कल्पचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इनके फ़नकार से जानते हैं कि इसके पीछे क्या सोर्स है, इनका क्या थॉट है, इन्होंने इसको क्या रूप दिया है। ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, बहुत सोच के क्रिएट नहीं किया जाता। जो भी दिमाग में हो, जब काम करने बैठते हैं, जो भी दिमाग में आता है वो क्ले वो ही फॉर्म ले लेती है। बेसिकली जो इस वक्त ये है, ये बहुत हैप्पी मूड वाला है। जिनके बड़े बड़े घरों में जाते हैं ये इस टाइप के स्कल्पचर्स, जहाँ बहुत स्पेस होती है, तो ये वेलकमिंग, जैसे कि आपको अपने अंदर खुश होके, अपने घर के अंदर खुश होके बुला रहा हो। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये मदर एंड चाइल्ड हैं, ये भी हैप्पी, जिसे कहते हैं ना खुशी वाले, जो आप जिसे देख के आप खुश होना चाहें, आप रोज़ देखें और इसे लगे इसमें देख के बहुत खुशी हो रही है। ये सेमी रियलिस्टिक स्टाइल में बने हुए कुछ स्कल्पचर हैं, तो आइए इनके फनकार से जानते हैं कि क्या सोर्स है और क्या थॉट पैटर्न है। माय नेम इज़ गौरी वर्मा। ये अर्बनाइजेशन पे है कि आजकल हम लोग की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और लोगों को समय नहीं है अपने लिए सोचने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये इसमें ये है कि ये लोग बैठ के बिल्डिंग्स के ऊपर, इज़ बेसिकली अर्बनाइजेशन, सब हम ड्रम के ऊपर बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और ये है माय स्पेस इन द अर्बन कंक्रीट जंगल। तो इसमें ये है कि किस तरह से हमें समय निकाल के, अपने लिए समय निकालना चाहिए, और बेसिकली इसी के बारे में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत वर्सेटाइल लग रहा है। यहाँ पे एक तरफ तो ये फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्रेशंस की पेंटिंग है, वहीं एक रूरल लाइफ की पेंटिंग है। मतलब ये कि हर एक पेंटिंग दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये इनका बूथ है, तो इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। मैम आपका नाम? मेरा नाम है विनीता, मैं बॉम्बे से आई हूँ, और मैं ज़्यादा करके बॉम्बे और महाराष्ट्र के आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ आना मुश्किल होता है, पैकिंग करके ये सब लेके आना थोड़ा मतलब मेहनत होता है उसमें। और इस स्टॉल में आपको सब अलग अलग किस्म के पेंटिंग्स मिलेंगे, कोई लैंडस्केप्स है, कोई फिगरेटिव्स है, कोई एब्स्ट्रैक्ट्स है,
तो आई हैव ट्राइड टू पुट टुगेदर अ कलेक्शन ऑफ ऑल अलग अलग काइंड ऑफ आर्टिस्ट, अलग स्टाइल्स, अलग मीडियम्स, और यहाँ मैं लेके आई हूँ। मेरा नाम माधुरी भादुरी, मैं पूना से हूँ, और मैं अभी मेरा पहला शो 1986 में हुआ था, और मैं अभी कितना 30-40 साल से पेंटिंग कर रही हूँ। मैडम, ये जो आर्ट है, जैसे अदब साहित्य होता है, उससे ज़िंदगी बयान होती है, तो ये आर्ट से आप क्या साबित करना चाहती, क्या बताना चाहती हैं? मुझे पेंटिंग करने से एक छोटे से एक वाक्य में अगर बोला जाए तो जो खुशी मैं महसूस करती हूँ पेंटिंग करते टाइम, वो मैं दूसरों को अगर शेयर कर सकूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। बिकॉज नेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ देख के कुछ एक अद्भुत सी खुशी मिलती है, और वो मैं अपने पेंटिंग के ज़रिया बयान करना चाहती हूँ। तनिषा, आपका मकसद क्या है ये आर्ट बनाने के पीछे, आप क्यों आर्ट की तरफ क्यों आए थे? मैं आर्ट्स के दिखाना चाहती हूँ कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे भी लोग पॉवर्टी के अलावा वहाँ पे बहुत कुछ खुशियाँ हैं, उनके पास मदर्स की ब्लेसिंग्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे मुझे, और वही एक है जिससे मुझे इंस्पायर करते हैं पेंटिंग करने के लिए। और भी तमाम टॉपिक्स है रूरल इंडिया के अलावा, खेती किसानी, आपसी भाईचारा, मतलब इंसानियत, ये सब पे आप क्या करना चाहती हैं आगे, कि इंसान इंसान के बहुत करीब आए? हाँ, डेफिनेटली इंसान को इंसान के बहुत करीब रहना चाहिए, गरीबी और अमीरी में अंतर नहीं करना चाहिए उनको कभी। इसके लिए आप पेंटिंग से कैसे साबित? पेंटिंग से लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि वो उनकी और मदद करें, और उनके साथ मिलजुल के रहे और उनको खुश रखें बस। कुछ खूबसूरत सी एक्रेलिक पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं, आइए इनके आर्टिस्ट से जानते हैं कि इसके थ्रू ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये सारी पेंटिंग्स एक्रेलिक मीडिया में बनाई हुई हैं, और इनको इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट कह सकते हैं अपन, मॉडर्न आर्ट हैं, कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट हैं ये सब, और इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है, और सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ बातें जो फिलोसॉफी की हैं या जिससे मेरी भावना या मेरे थॉट्स प्रोसेस हैं, उन सबको मैंने डेपिक्ट किया है, लेकिन एक मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू, एक जिसको एक इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट बोलते हैं, उसके थ्रू मैंने किया है।
आपकी पेंटिंग्स हैं इसमें बहुत ब्राइट कलर्स और डिफरेंट स्ट्रोक्स यूज़ किए हैं आपने, ये कौन सा मीडियम है, कौन सा स्टाइल है कंटेम्प्रेरी का, और साथ में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ जी, एक्चुअली हमारे भारत में, भारत के फेस्टिवल्स में शुरू से ही एक चटक रंग रहे हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या जो भी हमारे भारतीय त्यौहार होते हैं, और हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं जैसे राजपूत कालीन कला, मुगल, कांगड़ा, या जितनी भी कलाएं हैं, उन सभी कलाओं के में भी आप जो रंग देखेंगे वो चटक रंग हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वही सारे चटक रंग्स मैंने अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल किए हैं, और मेरे पेंटिंग्स लैंडस्केप्स हैं। आप एक परसेप्शन देखेंगे जैसे ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग्स एक्रेलिक कलर में है, पर पेपर पे ये पेंटिंग मैंने बनाया है, ये मेरा पुराना काम है, ये 2010 में किया था। तब आप इसमें एक 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 मेरी उन्मुक्तता देखेंगे कि मैंने किस तरह से इसमें एक एक डेप्थ क्रिएट की है, एक 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 परसेप्शन क्रिएट होता है। इसका टाइटल है धरती अंबर। गुफरान साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस नुमाइश के, जो आर्ट्स की नुमाइश होती है, जो या आज यहाँ आर्ट्स इंडिया आर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है, इसके इंसान की सामाजिक ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, जब हम कोई आर्ट्स की नुमाइश होती है, इसके अंदर इस वक्त करीब 40 आर्ट गैलरीज हैं और 400-500 करीब आर्टिस्ट इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो गैलरीज हैं, इनका काम है आर्ट को प्रमोट करना, यानी मुख्तलिफ आर्टिस्टों के साथ वो एसोसिएट होते हैं, उनके कामों को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्ज़िबिट करते हैं। एग्ज़िबिट करने के बाद उससे उनकी जो सेल होती है, उससे उनका प्रमोशन आर्टिस्टों का होता है और कुछ गैलरी वालों का भी फ़ायदा होता है। ये इस तरह की, ये जो पूरा एक कहा जाए प्रोग्राम सेट किया है इन लोगों ने, जिसमें इतनी बड़ी नुमाइश यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में लगाई गई है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा गैलरियां हैं और इतने ज़्यादा आर्टिस्ट के इकट्ठा होने की वजह से एक पूरे दिल्ली से अच्छी खासी आबादी यहां विज़िट कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे लोग, हर तरह के लोग हैं इसमें, वो लोग जो आर्ट को समझते हैं, एक वो लोग जो आर्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं, एक वो लोग जो आर्ट को बिल्कुल नहीं समझते, वो भी यहां विज़िट कर रहे हैं और वो भी यहां अपना वक्त दे रहे हैं। और कम से कम जो एक घूमने के लिए जो लोग मॉलों में जाया करते थे, बजाय मॉल जाने के, कम से कम इस गैलरी के अंदर जब वो घूम रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ काम देखने को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्टों के नए नए आइडियाज़, नए नए क्या कहते हैं मीडियम्स, नए नए पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और नए नए इंस्टॉलेशंस, बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं। सतबीर साहब, आपको किसने मुतासिर किया ये आर्ट्स बनाने के लिए? मैं कहना चाहूँगा, आर्ट को आज के बढ़ते दौर, आज का बढ़ते दौर और आज की होती हुई सिचुएशंस, जो मैं कहूँगा इस हिसाब से, जो भी परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आती हैं उस हिसाब से जो भी मन में विचार आते हैं वो मैं कलम के द्वारा पेंटिंग्स में जाहिर करता हूँ। जस्सी सिरमाली जी हमारे साथ हैं और यहाँ एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे। जस्सी जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये जो एग्जीबिशन में आपका स्टॉल लगा है, आपका रोल क्या है इसमें, इसमें क्या किरदार अदा करती हैं आप इसको? हम अपकमिंग आर्टिस्ट जितने भी हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, जिनका काम बहुत अच्छा है और नए काम जो हैं, हम चाहते हैं कि लोग उनको देखें, अप्रिशिएट करें और आगे भी उनका नाम होए, जैसे ऑलरेडी मास्टर वर्क्स का है।